आज हम पढ़ेंगे नोज से रिलेटेड फ्रेजेज और idioms. जैसे पिक वंस नोज, इसका मतलब नाक में अंगुली करना. जैसे आई एम पिकिंग माई नोज का मतलब मैं नाक में अंगुली कर रहा हूँ. यू आर पिकिंग योर नोज, इसका मतलब तुम नाक में अंगुली कर रहे हो. डोंट पिक योर नोज, यानी नाक में अंगुली मत करो. पिक वंस नोज का मतलब नाक में अंगुली करना. नाक में अंगुली करना करना. पिक योर नोज. सेकेंड फ्रेज है ही इज ए नोजी. ही इज ए नोजी. नोजी वह व्यक्ति होता है जो प्राइवेट क्वेश्चन से पूछता है. जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं स्कूल में, वो पूछते हैं सर आपकी शादी हो गई क्या, आपके कितने बच्चे हैं. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्राइवेट क्वेश्चन है, निजी क्वेश्चन है. और निजी क्वेश्चन पूछने वाले को हम कहते हैं नोजी. जैसे स्टूडेंट्स आर वेरी नोजी, स्टूडेंट्स बहुत नोजी है. दे आस्किंग द प्राइवेट क्वेश्चन. सो नोजी का मतलब है निजी पर्सन पूछने वाला वाला व्यक्ति होता है नोजी. ओके. थर्ड पोक वंस नोज. पोक वंस नोज का मतलब है टांग अड़ाना. जैसे वह मेरे कार्यों में टांग अड़ाता है तो मैं बोलूंगा ही पोक्स हिज नोज इनटू माय वर्क. मेरे कार्यों में टांग मत अड़ाओ तो हम कहेंगे डोंट पोक योर नोज इनटू माय वर्क. वे आपकी पढ़ाई में नाक अड़ाते हैं तो दे पोक देयर नोज इनटू योर स्टडी. तो पोक वंस नोज का मतलब टांग अड़ाना. अगला कीप वंस नोज आउट ऑफ इट. कीप वंस नोज आउट ऑफ इट का मतलब होता है हस्तक्षेप नहीं करना. जैसे ही इज ए गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है, वह हस्तक्षेप नहीं करता. तो हम बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय, ही कीप हिज नोज आउट ऑफ माई वर्क. ही कीप्स हिज नोज आउट ऑफ माई वर्क. वह मेरे कार्यों से दूर रहता है, हस्तक्षेप नहीं करता है. तो कीप वंस नोज आउट ऑफ इट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना. हस्तक्षेप करना. कीप वंस नोज आउट ऑफ इट. कीप वंस नोज क्लीन, इसका शाब्दिक मतलब होता है नाक साफ रखना. जैसे कीप योर नोज क्लीन, आप अपनी नाक साफ रखो. दूसरा इसका मतलब होता है, सेंस इसका ये होता है idiom के रूप में कि अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा अच्छी पर्सनलिटी अच्छा व्यक्तित्व रखना. जैसे डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो. कीप योर नोज क्लीन, झूठ मत बोलो. कीप योर नोज क्लीन. कीप योर नोज क्लीन का मतलब अच्छा व्यक्ति बनो. डोंट स्टील हियर, या चोरी मत करो. कीप योर नोज क्लीन, इसका मतलब होता है अच्छा व्यक्ति बनना. अगला है लास्ट वाला, कीप नोज टू द ग्राइंड स्टोन. कीप नोज टू द ग्राइंड स्टोन. ग्राइंड स्टोन वैसे चाकी होती है, पत्थरों को रगड़ने वाली. इसका मतलब होता है पसीजना. कीप नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मतलब होता है मेहनत करना. जैसे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है. ही कीप्स हिज नोज टू द ग्राइंड स्टोन. द बॉस गोज ऑन द इंस्पेक्शन टू चेक वेदर द वर्कर्स कीप नोज टू ग्राइंड स्टोन. बिग बॉस चेक करने के लिए है कि क्या श्रमिक है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो हम बोलेंगे बॉस चेक वेदर द वर्कर्स कीप देयर नोज टू द ग्राइंड स्टोन. इसका मतलब होता है मेहनत करना. मेहनत करना करना पसीजना. धन्यवाद.